में भद्रावती तहसील से, जहां मदीना मस्जिद कमेटी की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें तहसीलदार, थानेदार के साथ अन्य प्रशासकीय अधिकारी एवं अन्य समाज बांधव भी उपस्थित थे। चलिए एक नजर इस खबर पर। रमजान का पवित्र महीना शुरू है और सभी मुस्लिम बांधव इस पवित्र रमजान महीने में उपवास रखते हैं, और वहीं मदीना मस्जिद में इस मौके पर इफ्तार पार्टी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस इफ्तार पार्टी में तहसीलदार अनिकेत सोनवा ने थानेदार विपिन इंगड़े के साथ वंचित बहुजन आघाड़ी महाराष्ट्र प्रदेश कुशल मेश्राम, राष्ट्रवादी कांग्रेस तालुका अध्यक्ष सुधाकर रोहनकर, भद्रनाथ मंदिर के विश्वस्त योगेश पांडे, शिवसेना शिंदे गट के तालुका अध्यक्ष नरेश काड़े, पूर्व विधानसभा प्रमुख विलास नेरकर, भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष अमित गुंडावार, युवा उद्योजक नकुल प्रशांत शिंदे, नायब तहसीलदार मलिक पठान, दिव्यांग विभाग के जिला प्रमुख प्राध्यापक ताजने की प्रमुख उपस्थिति में मदीना मस्जिद के मैदान पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुस्लिम बांधवों ने पवित्र रमजान के महीने के अवसर पर सभी मेहमानों को शुभकामना दी। साथ ही इस दौरान तहसीलदार अनिकेत सोनवाने ने सभी को शुभकामना देते हुए अपना मनोगत व्यक्त किया। जगात सर्वत्र रमजानचा पवित्र महिना चालू आहे, तरी आपल्या सर्व मुस्लिम बांधवांना रमजानच्या पवित्र महिन्याच्या हार्दिक शुभेच्छा। तसेच आजचे कार्यक्रम जो आयोजित केला आहे हे आपल्या भद्रावतीमध्ये सर्व धर्म समभावाचं एक प्रतीक म्हणून इथं आपण बघत आहोत की सर्व पक्षाचे, जाती धर्माचे सर्व लोक उपस्थित आहेत, आणि एक आपण एक चांगला आदर्श निर्माण केला आहे, याबद्दल सदर कमिटीला पण हार्दिक शुभेच्छा। साथ ही भद्रावती पुलिस स्टेशन के थानेदार विपिन इंगड़े ने भी अपना मनोगत व्यक्त किया। मी थानेदार विपिन इंगड़े, माझ्या पुलिस स्टेशन तर्फे ईद निमित्त सर्व मुस्लिम बांधवांना शुभेच्छा देतो, आणि आज मदीना मस्जिद कमिटी तर्फे आयोजित केलेली इफ्तार पार्टी करता येईल आम्हाला आमंत्रण केल्याबद्दल त्यांना धन्यवाद देतो, आणि असंच भद्रावतीमध्ये भाईचारा मिळून राहील अशी मी आपला विचारने प्रार्थना करतो। बहुजन आघाड़ी के महाराष्ट्र प्रदेश के पदाधिकारी कुशल मेश्राम ने भी इस मौके पर अपना मनोगत व्यक्त किया। सर्वप्रथम या रमजान महिना जो पवित्र महिना आहे, त्या पवित्र रमजान महिन्यामध्ये शेवटच्या आठवड्यातली जे दिवस आहेत, आणि आज मदीना मस्जिदमध्ये इफ्तार पार्टीचं आयोजन केलं होतं, सर्व शासकीय अधिकारी आणि इतर सर्व पक्षांचे लोक इथं सहभागी झालेत, आणि या पवित्र रमजान महिन्याच्या आम्ही खूप खूप शुभेच्छा देतो, आणि भद्रावती शहरामध्ये सर्व धर्म समभाव टिकून राहावा यासाठी मदीना मस्जिदतर्फे वारंवार प्रयत्न केले जातात, त्यांचे सुद्धा मनापासून अभिनंदन करतो। साथ ही मदीना मस्जिद के मुना शेख ने भी इस मौके पर क्या कहा, सुने सुने उन्हीं की जुबानी। साल भी मदीना मस्जिद की ओर से भद्रावती के प्रशासकीय अधिकारी और यहाँ के सियासत के रहनुमाई करने वाले कुछ कार्यकर्ता, उनको आज मदीना मस्जिद कमेटी की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, और इसमें सम्माननीय भद्रावती के तहसीलदार सोनोने साहब, यहाँ के थानेदार विपिन इंगड़े जी, नायब तहसीलदार शेख सर, वैसे ही वंचित बहुजन आघाड़ी के महाराष्ट्र के प्रतिनिधि आनी जनाब कुशल मेश्राम, शिवसेना के तालुका अध्यक्ष नरेश काड़े जी, कांग्रेस के राष्ट्रवादी कांग्रेस के सुधाकर रोहनकर, विलास नेरकर जी, अपंग सेल के प्राध्यापक ताजने सर, और भद्रनाथ मंदिर के विश्वस्त ओम का योगे प्रमुख बहुत कुछ, और भद्रावती गणमान्य व्यापारी, इन्होंने आके यहाँ पे इफ्तारी पार्टी के आयोजन में आकर हमें जो सहयोग किया, इसलिए भद्रावती के सभी प्रशासकीय अधिकारी और सम्माननीय राजनीतिक कार्यकर्ता और व्यापारी वर्ग तज और हमारे यहाँ पे इफ्तार करने आए, इसलिए सबका आभार शुक्रिया अदा करता। इफ्तार पार्टी के इस कार्यक्रम में अनेक मान्यवरों के साथ में मुस्लिम बांधवों में मुना शेख, महबूब खां पठान, एजाज अली, मौलाना फारूक चिश्ती, ख्वाजा गरीब नवाज मस्जिद के हाजी डॉक्टर शकील रब्बानी शेख, अक्सा मस्जिद के मजर भाई, इसराइल खान पठान बशीर भाई, इंदिरा मस्जिद के हाजी इकलाक अली, हाजी इसराइल सरदार खां, अजीज शेख, इरफान कुरैशी, अकीब खान, अहफाज पठान, शमशान शेख, अशफाक मामू, अजीज भाई के साथ बड़ी संख्या में मुस्लिम बांधव तथा मदीना मस्जिद के प्रमुख पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। सीटीवी के लिए हमारे प्रतिनिधि जॉय शेख की रिपोर्ट।